हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं आपका भाई रोहित सिंह। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो नए ड्राइविंग सीख रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको जो लेफ्ट जजमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि वो प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं कैसे कम करें और कैसे अपने अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले गाड़ी को हम स्टार्ट कर लेते हैं और फिर जो है ये ऑटोमेटिक है। तो जो मैं आपको ये कार से दिखा रहा हूँ, ये टाटा टिगोर है, ऑटोमेटिक वर्जन XTA। इसे हम ए में कर लेंगे और चलिए चलते हैं। लेफ्ट साइड में जो है आपको देखिए, इसमें जो है यहाँ से बोनट जो है वो विजिबल नहीं है, क्योंकि जो इसका डिज़ाइन है वो बोनट का वो जो है वो डाउन में है। तो ये जो बोनट में है जो थोड़ा डाउन में है, इसीलिए देख सकते हैं मेरे आईज के पास मैं ये कैमरा रखा हूँ, लेकिन जो मुझे बोनट है ये विजिबल नहीं है। तो आपको क्या अंदाजा लेना है, जो वहाँ ट्विटर लगा हुआ है वहाँ से आपको अंदाजा लेना होगा कि वहाँ से और आप मैक्सिमम 2-4 इंच और इधर लेफ्ट में जो है आपका गाड़ी का लास्ट पोर्शन है वो लेकर चलना है। लेफ्ट साइड में जैसे देखिए ये चल रहे हैं जो, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि हम लेफ्ट साइड में कम से कम 2 से 2.5 फीट का जगह लेकर चले। जो आपका ये व्हाइट लाइन रहता है कॉर्नर में लेफ्ट साइड, ये ऑलरेडी 1.5 फीट के बाद रहता है। तो इसके बाद से जो है आपको कम से कम 2 फीट का जो है वो जगह लेकर चलना होगा। जैसे देखिए ये आप मिरर में अगर देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ वहां पर। ये देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो व्हाइट लाइन है वहां से कम 2 फीट का जो है वो जगह लेकर चल रहा हूं, जिससे क्या है देखिए, जिससे क्या है मुझे अगर थोड़ा सा राइट में अगर उधर से कोई कार आ रहा है, बाइक आ रहा है, और अगर मुझे आपको लेफ्ट जाना है, जैसे देखिए ये ओवरटेक अभी कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा लेफ्ट में एडजस्ट कर सकूं। इसीलिए जो है आपको हमेशा 2 फीट जगह लेकर चलना है, जिसमें आपको क्या करना है, ये दोनों RPM पे आपको हमेशा ध्यान देना है कार चलाते टाइम, तभी जो है आपको मतलब जो है आइडिया लग जाएगा कि मुझे ये जो है कितना स्पेस रखना है लेफ्ट में राइट में। क्योंकि क्या होता है ना, जो नए नए ड्राइविंग करते हैं, मेरे साथ भी होता था एक टाइम में, कि ये जो RPM आप देख रहे साइड वाला, ये हमेशा टच होता था। तो लेफ्ट साइड में सबको दिक्कत होता है नए नया नया चलाने में। वो आपको जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, जितना आप चलाइएगा उतना आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा। तो हमेशा आपको मतलब ORBM में देखते रहना है कि वो जो व्हाइट लाइन है वहां से जो है मेरा 2 फीट का जगह है या नहीं। और ये जो आप दोनों वाइपर देख रहे हैं, ये दोनों को आप अगर देखिएगा तो ये दोनों जो लेन है रोड का, ये बीच में आ रहा है कि नहीं। अगर ये बीच में आ रहा है तो ऑलरेडी जो है आपका लेफ्ट साइड में कम से कम 2 से 3 फीट जो वो जगह है वो छूटा हुआ है। तो इस वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।